जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार टॉपर्स बयान पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के डीबी का नोटिस आ चुका है, तो इसमें जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, जैसे UPSI, NTPC, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अन्य कई भर्तियों, CGL, अन्य कई भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भाई अभ्यर्थी कृपया करके लेखपाल का DB स्किप कर दें, ताकि जो भी हमारे भाई बंधु जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनके कुछ पॉइंट्स से यदि वो रह जा रहे हैं, ताकि उनको ही मौका मिल सके और वो अपने परिवार को एक तरीके से सपोर्ट कर सकें। आप समझ सकते हैं कि जो हमारा एक स्टूडेंट का एक लाइफ होती है, कितना एक स्ट्रगल लाइफ होती है, कितने इसमें स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं। आप उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, आप उसको आप भली भांति समझेंगे। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कि कृपया करके आप उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सीट बर्बाद ना करें, आप उनके लिए अपना DB स्किप कर दें। आपको तो एक नौकरी मिल ही चुकी है, आप अच्छी जगह आप पोस्टेड भी हैं, उससे कहीं आपकी ग्रेड पे भी है। तो बस आप उनकी थोड़ी भावनाओं को समझिए कि किस प्रकार से उनकी जो लाइफ है, किस तरीके से आप चल रही है, स्टूडेंट का आप लाइफ समझते हैं। यदि आप इसमें DB करा भी लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको कहने का हो जाएगा कि हम इतनी भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं। वो तो आप अभी भी कह सकते हैं कि हमने इसका लेखपाल का रिटर्न निकाला हुआ है, लेकिन आपसे हाथ जुड़कर निवेदन है कि आप उसका जो DB है उसमें आप ना जाएं, ताकि कहीं दूसरे परिवार का चिराग जल सके। आप इतने समझदार हैं, इससे आगे हम आपके लिए कुछ नहीं कहेंगे। आप समझदार हैं, आप उसका जो लेखपाल का DB है उसको आप स्किप ज़रूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।